सप्लाई ब्रेक था गिरने की वजह से, उसे बना दिया गया। मोबाइल जो गिरा था ना उसी के वजह से कोई जो है सप्लाई इसका ब्रेक हो गया था, चार्ज नहीं हो रहा था। और आपको एक चीज दिखाते हैं, ये देखो लाडो का पोछीटा ये देखो लाडो का पोछीटा निकला है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी जो है ना मैं निकलने वाला हूँ देवरिया, और देखो अभी टाइम कितने बज रहे हैं, 6:15 हो चुके हैं। और भाई क्या काम से जा रहा हूँ पता है तुमको? ये तुमको पता नहीं, संदीप को मोबाइल बनाना थोड़ा सा। संदीप भैया का मोबाइल बनवाने जाना है तो इसीलिए देवरिया जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो सब कोई मूवी देख रहा है बैठ के कंप्यूटर में, और लाडो को देखो, लाडो भी बैठी थी अभी हम उठा लाए जस्ट, लाडो भी बैठ के देख रही थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, आइए देखो ये तारक मेहता का सीधा चश्मा। पापा किसी करो दो नहीं दे रहे। अच्छा ठीक है, पापा जा रहा है, पापा जा रहा है। चिम्मा दो चिम्मा, चिम्मा दो चिम्मा, चिम्मा चिम्मा दे दो चिम्मा। आ चिम्मा दे दो, अभी लगी हंसने दे। चिम्मा चिम्मा चिम्मा, हाँ ले लिए पापा, ले लिए ले लिए। पापा जा रहे हैं, बाय कर दो, कर पापा चॉकलेट लाइएगा मेरे लिए। अब लाडो बाय बाय बोल दो, पापा चॉकलेट लेते आइएगा पापा मेरे लिए, डेरी मिल्क। तो भाई संदीप भैया बाइक निकाल रहे हैं जाने के लिए। तो भाई अभी टाइम देखो 6:27 हो गया है, और 7 तक हम लोग को वहाँ पे जाना है, क्योंकि 7 अगर नहीं जाएंगे दुकानें भी बंद हो जाएगी। तो चलो अभी निकलते हैं, हम लोग जा रहे हैं बाइक से, इस वाली गाड़ी से नहीं जा रहे क्योंकि दो ही लोग को जाना है। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, आए थे पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पर जो है ना 150 रुपए का तेल लिए हैं क्योंकि बाइक में जो है तेल खत्म हो गया था। चलिए अभी निकलते हैं। तो गाइस अभी आ गए हम देवरिया, और यहाँ पर आए हैं ना तो ये देखो संदीप भैया का मोबाइल वैसे खराब था तो इसका चार्जिंग का इशू था, तो अभी आए हैं भैया के पास और अभी दिखाने के लिए, अभी भैया देखेंगे और बताएंगे कि इसके अंदर आखिर हुआ क्या है। पहले क्या दिक्कत हुआ था भैया इसमें? पहले इसमें दिक्कत हो गया था कि झटका लग गया था, मतलब गिर गया था कुर्सी से नीचे, तो चार्जिंग जो है ना उसमें कुछ हिल गया था, जो होता है पत्ता होता है ना वो हिल गया था, इसे चार्जिंग नहीं उठा रहा था। अब की बार भी सेम वैसा ही हुआ है, जबकि नए पार्ट डलवाए थे हमारे सेंटर में जाके, पता नहीं कैसे हो गया है। चलो देखते हैं क्या हुआ है। तो भाई यहाँ पर जो है मोबाइल अभी खुल गया है, तो बता दीजिएगा क्या हुआ भैया? सप्लाई ब्रेक था गिरने की वजह से, उसे बना दिया गया। मोबाइल जो गिरा था ना उसी के वजह से कोई जो है सप्लाई इसका ब्रेक हो गया था, चार्ज नहीं हो रहा था। ऐसा है कि मोबाइल अभी बन चुका है, मात्र 100 रुपया खर्चा है। जो पीछे आप दुकान देख रहे हो ना ये किसी पहचान वाले का ही दुकान था, तो इसीलिए सोचे हैं कि सबसे पहले यहीं पे आके दिखाते हैं। तो मोबाइल अभी बन चुका है, 100 रुपया ओनली खर्च आया है। मोबाइल में एक पत्ती होता है जो कि कनेक्शन सप्लाई करता है, उसको पीसी शायद बोला जाता है, वही छूट गया था गिरने की वजह से, लेकिन अभी जो है उसको कनेक्ट कर दिया तो अभी सप्लाई दे रहा है और चार्ज भी हो रहा है। चलो अभी हम लोग निकल रहे हैं, चलिए भैया। तो भाई साहब अभी घर पे हम लोग आ चुके हैं, हम और संदीप भैया, और अभी बड़ी वाली गाड़ी से जा कह रहा है। इधर लाडो देखो, लाडो लाडो का हगीज लेना है और सेरो लेक लेना है, तो लाडो का सेरो लेक और हगीज लेने के लिए अभी चल रहे हैं, तो चलो चलते हैं। तो भाई साहब अभी जो है सेरो लेक जो है लाडो को मिल गया है, और ये सेरो लेक जो है ना 12 नंबर मिला, यानी कि 12 मंथ का जो है बच्चा इसको खा सकता है। ये लो लाडो तुम्हारे लिए। लो भाई लाडो सेरोलेक सेरोलेक सेरोलेक। लाडो ना तो अभी समझदार हो गई है, अभी बोलते ना मिट्टी दो तो मिट्टी तुरंत देती है, तुरंत समझ जाती है। चलो गाइस अभी निकलते हैं घर। तो भाई अभी लाडो का सेरोलेक लेके अभी घर पे चला आया हूँ, और देखो सबका अभी खाना निकल चुका है, सब कोई अपना अपना खाना खा रहा है, तो चलो हम भी खाते हैं। दोस्ती बनी गई, रसा मांग रही है, बाकी सब्जी अच्छी बनाएंगे इसलिए दोबारा मांग रहे हैं थोड़ा बस। संदीप बाबू हमारे हस्बैंड जी और हम बाकी तीन लोग खा रहे हैं, हम इंतजार कर रहे थे अपने हस्बैंड जी के आएंगे तो खाएंगे, तो उन लोग का भी हम और हमारे हस्बैंड इसमें खा लेंगे, संदीप बाबू इसमें। और आपको एक चीज दिखाते हैं, ये देखो लाडो का पोछीटा लाडो का पोछीटा निकला है। लाडो बड़ी होगी तो बोलेगी हमारा मजाक ऐसे उड़ाते थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन,
अभी टाइम जो है सुबह के 10:43 हो चुके हैं और ये इस ब्लॉग का दूसरा दिन है। तो गाइस बिस्तर से उठने के बाद मालूम पड़ा आज मेरे एक दोस्त का जो है सगाई है। आज सगाई में वैसे जाना है, 11 बजे वो बोला था कि घर से भाई आप लोग निकल जाना, तो अभी हम लोग तैयार भी नहीं हुए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए। और देखो लाली भी अपना सारा चूड़ी वगैरह सब कुछ ये देखो पर्स रख दी है, और मेरे लिए नहा के कपड़ा पहनने का जो भी कपड़ा है सब कुछ यहाँ पे रख दी है। तो मैं भी चल रहा हूँ नहाने कपड़ा पहन के रेडी होने के लिए, और वो ऊपर गई है मेहंदी लगाने के लिए, मेहंदी ला के आएगी तो साड़ी वगैरह पहन के वो भी रेडी होगी, उसके बाद से हम लोग निकलेंगे। तो भैया अभी आ गए हैं बाहर और सुबह सुबह ही ना संदीप भैया उठ के और जो है गाड़ी का पूरा धुलाई कर दिए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा पानी वहाँ तक गया है, अंदर से बाहर से सब कुछ धुल दिए हैं। और यहाँ पर देखो जो गाड़ी के अंदर का मैट होता है ना चटाई, उसको भी बढ़िया तरीके से धो दिए हैं। जब से मुंबई से आया था ना, तो मुंबई से आए हुए लगभग 20 दिन से ऊपर हो रहे हैं हमको, तो 20 दिन से गाड़ी सिर्फ और सिर्फ चल रहा था, धुलाई वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहा था टाइम की वजह से, क्योंकि इतना शादी था ना इस रिलेशन में, किसी के घर दोस्त के घर, कहीं कहीं और जाना है, किसी के घर जाना है, मतलब पर डे 1-2 शादियां पड़ती थी भाई, गाड़ी से ही जाना होता था, बस टाइम नहीं मिलता धुलाई करने के लिए। मैं थोड़ा सा आज लेट उठा हूँ, लेकिन रात को संदीप भैया को बोला था कि भैया अगर आप टाइम से उठिएगा गाड़ी को थोड़ा धो दीजिएगा, तो वही सुबह उठे थे भैया, धो के अंदर से पूरा पोछ ओछ के फ्रेश कर दिए हैं, बस अंदर जो है गाड़ी के अंदर मैट डालना है और फिर चले जाना है। गाड़ी एकदम मस्त नया, एकदम चमक रहा है अंदर से और बाहर से भी, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम बिल्कुल नया गाड़ी है। तो गाइस अभी आ गए हैं ऊपर और देखो यहाँ पर जो है मेहंदी लग रहा है। कहाँ जाना है वैसे? आज सगाई में जाना है, आपके दोस्त की सगाई है ना, तो बुलाए हैं आपको भी हमको भी, तो वही जा रहे हैं, सोचे मेहंदी लगवा लें अभी। ये मेहंदी भाई कैसा लग रहा है? ये कौन सा मेहंदी है? इसको बोलते हैं 5 मिनट वाला, मतलब कि फटाफट लगाओ, झटपट मेहंदी, भाभी तो झटपट मेहंदी बोलती है, फटाफट लगाओ और तुरंत रेडी हो जाओ। जैसे लाडो छोटी है ना, इसके वजह से नहीं लगवाते हैं, लाडो बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है, जब वो लगा लेंगे कम से कम 1-2 घंटा सूखना सुखाना पड़ता है उसको, इसको बस एक तरफ लगाओ एक तरफ धुलो फटाफट हो जाता है, इसीलिए देखिए लाडो परेशान भी कर रही है। कहाँ जाना है? लड्डू कहाँ जाओगी? आई लो, माइक ले लो, कुछ नहीं चाहिए, माइक नहीं चाहिए। और दोस्तों हम लोग जहाँ जाएंगे वो नेक्स्ट ब्लॉग में, आप कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ गए थे, किसी सगाई में गए थे, अभी तो फिलहाल हम लोग तैयार हो रहे हैं। भाई अभी टाइम देखो 11:01 हो चुके हैं और अभी तक हम लोग रेडी नहीं हुए हैं, और बोले थे ना कि 11 बजे ही आपको आना है, सब कोई वहाँ मेरे ख्याल से पहुँच भी गया होगा। अभी चलिए फटाफट तैयार होते हैं और निकलते हैं। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो इस ब्लॉग में कवर नहीं कर पाएंगे, वो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो कल का ब्लॉग आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्त का सगाई है, तो कैसे सगाई हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, सारा कुछ वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। तो अभी चलिए चलते हैं नीचे। तो चलो गाइस अभी जा रहा हूँ रेडी होने के लिए, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे, बाकी ये सब ब्लॉग आपसे कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।